हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के उष्मगतिक संबंधों का निगमन। हम यहाँ पे मैक्सवेल के प्रमुख चार संबंध जो होते हैं उसको अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम लोग फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल का प्रथम संबंध। ठीक है, यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा से मैक्सवेल के प्रथम संबंध में देखिए कि किसी इस निकाय के अणुओं की स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा और गति के कारण गतिज ऊर्जा, तथा इन दोनों के योग को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल यू से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए, उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। यहाँ पे हम पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर डी डब्ल्यू को, तो डी डब्ल्यू इधर जाके माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी यू इज इक्वल डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो फिर उष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार डी क्यू डी यू इज इक्वल ये टी डी एस हो गया, ये पी डी वी हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्पष्ट है कि आंतरिक ऊर्जा जो यू है वो एंट्रोपी एस तथा आयतन वी का फलन है। यू का एस, ठीक है, तथा वी यानी कि एंट्रोपी और आयतन के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो यू के सापेक्ष यू का एस तथा वी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें ना। तो यहाँ पे देखिए, यू जो है डेल यू अपॉन डेल एस, फर्स्ट हम एस का करेंगे, इसे करेंगे, फिर कोष्टक के बाहर वी रखेंगे। ठीक है, तो डेल यू अपॉन डेल एस कोष्टक के बाहर वी रखेंगे इक्वल यहाँ पे टी। यहाँ पे हम लोग एस का फर्स्ट कर रहे हैं, एंट्रॉपी का, एंट्रॉपी का पहले कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसके साथ जो है टी आयतन उसको यहाँ पे रखेंगे इक्वल, तथा उसके बाद पहले एस के उसके बाद वी का करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल वी, डेल वी तो कोष्टक के बाहर ये एस रहेगा। ठीक है, एस इज इक्वल, तो वी का पहले कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं वी का, तो पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे में, जैसे कि यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है, ठीक है, तो इक्वल में ये वाला टी रहेगा, और इसमें वी है और इसमें वी है, तो इक्वल में ये वाला पी रहेगा, माइनस पी। ठीक है, लेकिन डी यू एक यथावत अवकल है, अतः फिर से पुनः करेंगे इसका आंशिक अवकलन, तो डेल डेल अपॉन डेल वी। ठीक है, डेल अपॉन डेल वी, पहले वी का करेंगे, अब वी का करेंगे पहले, अब फिर सेम इसे सेम लिखना है आपको, डेल यू अपॉन डेल एस कोष्ठक के अंदर वी ये वाला आ जाएगा, इनपुट कर देंगे था, फिर कोष्ठक के बाहर अगर हम लोग वी के यहाँ पे कर रहे हैं तो कोष्ठक के बाहर ये एस हो जाएगा। ठीक है, वी कर रहे हैं तो एस हो जाएगा, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे वी का किए, उसके बाद यहाँ पे एस का करना है, फिर जैसे कि यहाँ पे वी का किए थे फिर कोष्ठक के बाहर एस किए थे, वैसे यहाँ पे अगर एस का कर रहे हैं तो कोष्ठक के बाहर वी आएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल अपॉन डेल एस इसको लिखना है, फिर कोष्ठक के बाहर वी लिखना है। फिर देखिए, यहाँ पे इसका मान जो होता है टी होता है और इसका मान माइनस पी है, तो रखेंगे वैसे ही डेल अपॉन डेल वी, यहाँ पे ये पूरा मान क्या है टी है, तो डेल टी अपन डेल वी टी अपन डेल वी, तो कोष्ठक के बाहर ये एस हो गया इक्वल माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस पी है, ये पूरा मान माइनस पी है इसका, तो माइनस कोष्ठक के अंदर डेल पी अपॉन डेल एस कोष्ठक के बाहर ये वी है, वी, सॉरी नहीं दिख रहा था ये वाला, देखिए डेल टी अपॉन डेल वी कोष्ठक के बाहर एस इज इक्वल माइनस, ये मान पूरा माइनस है, देखिए, तो ये डेल पी अपॉन डेल एस कोष्ठक के बाहर वी, ये इससे मैक्सवेल का प्रथम उष्मगतिक संबंध करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा से मैक्सवेल का द्वितीय संबंध। हम चार प्रकार के संबंध पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का, ये हमारा सेकेंड है, तो इसे निम्न परिभाषित किया जाता है, एफ इज इक्वल यू माइनस टी एस। यहाँ पे यू जो होता है वो आंतरिक ऊर्जा है और टी परम ताप है, एस एंट्रोपी है, यह निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है। तो यहाँ पे देखिए डी एफ, यहाँ पे डी डी का वो कर रहे हैं अवलन करें, तो डी एफ, अब यहाँ पे देखिए डी का कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी यू डी का कर रहे हैं, डी का अवकलन, तो यहाँ पे देखिए डी एफ डी यू माइनस टी एस, फिर ये डी एफ ये डी यू हो गया, फिर सॉरी हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है डी यू का डी हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फलन है, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला एक फॉर्मूला लगता है, यानी कि यहाँ पे देखिए टी टी के बाद
डी एस माइनस उसके बाद एस फर्स्ट आएगा फिर डी टी, ठीक है। तो उसमें कहते हैं प्रथम एवं द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि डी यू इज इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, फर्स्ट में देखे थे, मतलब कि ये यहाँ पे देखिए डी यू इज इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी, यही मान को हमें यहाँ पे रख देना है, इसकी जगह रख देना है। यहाँ पे देखिए डी यू इज इक्वल ये होता है, तो डी एफ का डी एफ, फिर ये यू की जगह डी यू की जगह ये वाला मार रख देना है, टी डी एस माइनस पी डी बी माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन क्या है, कॉमन तो कोई नहीं है लेकिन यहाँ पे कैंसल होगा ये वाला, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अतः यह एफ एफ जो है वी तथा टी का फलन है, तो f का v तथा t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर जैसे कि फर्स्ट में किए थे सेम वैसा ही करना है यहाँ पे, डेल f अपमान डेल v और कोष्टक में रहेगा ये t t, ठीक है। यहाँ पे v क्या कर रहे हैं, तो v के साथ कौन है माइनस p है, तो यहाँ पे इक्वल माइनस p, तो डेल f अपॉन डेल t, यहाँ पे डेल t हो गया, डेल t के कोष्टक के बाहर ये v रहेगा v, तो यहाँ पे t क्या कर रहे हैं, तो t के साथ कौन है माइनस s, ठीक है, यहाँ पे इक्वल माइनस एस, तो डी एफ यथावत अवकलन है, अवकल है, अत यहाँ पे क्या हो जाएगा कोष्टक के अंदर डेल अपॉन डेल टी, ठीक है, डेल टी डेल अपॉन डेल टी, यहाँ पे टी का पहले करना है टी, ये वाला कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसका इसको पहले करना है, ठीक है, ये वाला कर रहे हैं तो इसका पहले करना है टी का डेल अपॉन डेल टी, फिर ये वाला मार रखना है यहाँ पे, रख दिए, फिर टी है तो वी हो जाएगा, टी है तो वी हो जाएगा, अब यहाँ पे इक्वल डेल अपॉन डेल वी, वी अब वी क्या कर रहे हैं बाद में, तो वी क्या कर रहे हैं, तो कोष्ठक के बाहर ये टी आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो मान होता है ये है, ठीक है, तो इसका पूरा मान क्या है माइनस पी है, और इसका जो मान है वो माइनस एस है, तो यहाँ पे रख देना है इन दोनों मान को इधर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग रख दिए माइनस कोष्ठक के अंदर है डेल पी अपॉन डेल टी, कोष्ठक के बाहर वी इज इक्वल माइनस कोष्ठक के अंदर डेल एस अपॉन डेल वी, कोष्ठक के बाहर टी है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल यहाँ पे इक्वल माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस है, ठीक है, और इक्वल है, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड उसमें गति संबंध है मैक्सवेल का। एंड थर्ड यहाँ पे देखते हैं, तीसरा यहाँ पे देखिए एंथैल्पी से मैक्सवेल का तृतीय संबंध, किसी ऊष्मगतिज निकाय के लिए एंथैल्पी का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, एच इज इक्वल यू प्लस पी वी, यहाँ पे अवकल करने पर देखिए डी एच टी एच डी यू डी यू फिर पी डी वी वी डी पी, ठीक है। ऊष्मगति के प्रथम एवं द्वितीय नियम से डी यू, ये डी यू का मान क्या है टी डी एच माइनस पी डी वी, तो ये वाला जो मान है यहाँ पे रखना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग रख दिए मान को डी एच इज इक्वल ये वाला मान रख दिए, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या टी डी एस प्लस वी डी पी बचा, फिर यहाँ पे एच एस व पी का फलन है, एच एस व पी का फलन है, इसलिए एच का एस और पी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेल एच अपन डेल एस का पहले करना है, डेल एस का कर रहे हैं, उसके बाद जो कोष्ठक के बाहर ये वाला आएगा पी, लेकिन एस के साथ क्या है टी है, तो इक्वल टी हो गया, डेल एच अपॉन डेल पी, पी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी के बाहर कोष्ठक के बाहर ये वाला आएगा एस, लेकिन पी के साथ कर रहे हैं डेल पी है, तो पी के साथ क्या है वी, तो इक्वल वी। फिर यहाँ पे देखिए लेकिन डेल एच एक यथावत अवकल है, अतः डेल डेल अपॉन डेल पी कोष्ठक के बाहर डेल एच अपॉन डेल एस ये पी हो गया, कोष्ठक के बाहर एस आएगा इज इक्वल कोष्ठक के अंदर डेल अपॉन डेल एस, फिर ये वाला डेल एच अपॉन डेल पी एस डेल पी, इसका जो मान है और इसका जो मान है, देखिए इसका मान टी है और इसका पूरा मान वी है, तो यहाँ पे रख देंगे उसको डेल टी अपॉन डेल पी कोष्ठक के बाहर एस इज इक्वल डेल वी अपॉन डेल एस कोष्ठक के बाहर पी, ये क्या है ऊष्मा गति का तृतीय समीकरण है, यानी कि मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मा गति समीकरण कहते हैं इसको। एंड फोर्थ लास्ट क्या है, गिब्स फलन से मैक्सवेल का चतुर्थांश ऊष्मगतिक संबंध, यानी कि गिब्स फलन से हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश ऊष्मगतिक संबंध को, तो किसी ऊष्मगतिक निकाय के लिए गिब्स का फलन निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है, यहाँ पे जी इज इक्वल एच माइनस टी एस, ठीक है, फिर जी इज इक्वल यहाँ पे एच का जो मान है हमने तीसरा
ऊष्मगतिकी के संबंध में पढ़ा था, इसका मान जो होता है यू प्लस पी वी होता है। यहाँ पे देखिए एच इज इक्वल यू प्लस पी वी, तो इसको हम लोग रखे हैं एच की जगह पे, फिर माइनस टी एस, फिर अवकलन करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे डी एच का डी एच हो गया, फिर डी का सॉरी, तो यहाँ पे देखिए डी एच डी एच, यहाँ पे डी यू आएगा, ठीक है। और डी यू का जो मान है टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, हमने फर्स्ट में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए डी यू का जो मान होता है टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, तो यहाँ पे डी यू का मान क्या हो गया, हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस यहाँ पे फिर से डी पी डी वी, पी डी वी प्लस वी डी पी, वी डी पी यहाँ पे माइनस टी डी एस एस डी टी, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। फिर कैंसिल होगा ये प्लस टी डी एस, यहाँ पे माइनस टी डी एस कैंसिल हो गया ये दोनों, फिर उसी प्रकार ये वाला पी डी वी कैंसिल हो गया, बचा क्या वी डी पी माइनस एस डी टी बचा। फिर गिब्स फलन से जी पी तथा टी का फलन है, तो जी का पी तथा टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। यहाँ पे डेल जी अपॉन डेल पी कोस्ट बार टी इज इक्वल वी, फिर डेल जी अपॉन डेल टी कोस्ट बार पी इज इक्वल माइनस एस, लेकिन डी जी जो है यथावत अवकलन है, अतः डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी ये वाला मान रखना है, यहाँ पे रख दिए, फिर कोष्ट के बाद पी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल डेल अपॉन डेल पी डेल जी अपॉन डेल टी पी ये वाला मान रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर कोष्ट के बाद टी, यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी ये वाला टी रख दिए मान लो, ठीक है ये दे, फिर वाला पी यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे पी रखे हैं ये वाला पी इधर, फिर कोष्ट के बाहर ये वाला टी रख दिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। फिर इसका मान जो है वो वी है, वी तो वी रख दिए, डेल अपन डेल वी अपन डेल टी कोष्ट के बाहर पी इज इक्वल, ये माइनस है ये वाला माइनस, यहाँ पे मान रखेंगे इधर तो माइनस हो जाएगा माइनस, फिर डेल एस अपॉन डेल पी हो जाएगा कोष्ट के बाहर टी है। ये मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर टू माई चैनल। थैंक यू गाइस।